किरण मेहता जय लक्ष्मी सिलाई केंद्र में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ट्राउजर बनाना बताऊंगी। ट्राउजर की मोरी पे बहुत सुंदर डिजाइन है जाली वाला, और आप इसे ट्राई करें। फ्रेंड्स, आज हम एक डिजाइनर ट्राउजर बनाएंगे, बहुत सुंदर डिजाइन है उसकी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए जैसे हम भी मार्केट से जिस तरह कपड़ा आता है उसको ऐसे का ऐसे ही रखेंगे। ये देखिए, यूं रखा, और इसका पहले मैंने कान निकाला। कान निकालने के बाद क्या करना है, इसे एक बार और फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, फोल्ड करने के बाद यहाँ पे 2 इंच चौड़ी ऐसे 2 इंच चौड़ी एक पट्टी काट लेंगे। तो ये पट्टी जो हम काट रहे हैं ये हम डिज़ाइन में यूज़ करेंगे। हमें उसके लिए लंबी पट्टी चाहिए और आड़े में नहीं चाहिए, सीधे में पट्टी चाहिए, इसलिए हमने ये पट्टियाँ काटी हैं। अब हमें क्या करना है, इन पट्टियों को ऐसे करके यूँ मोड़ना है, और मोड़ के इस तरह मोड़ के इतनी दूरी पे ऐसे सिलाई चलानी है। और सिलाई जब ये पूरी चल जाएगी तो फिर हम इसे सीधा करेंगे। तो ये एक काम ये तो अलग से करेंगे। अब हम इस पर ट्राउज़र की ड्राफ्टिंग लगाने इस तरह करके, ये देखिए 2 तह का कपड़ा लिया है, ये देखिए 4 तह नहीं है, सिर्फ 2 ही तह हैं। ऐसे करके लेंगे। ये जो हमारी किनारी की साइड है, जो किनारी होती है, यहाँ पे पहले हमें इसे छोड़ना होता है, इसलिए हम जो भी ड्राफ्ट बनाएंगे इसके बाद बनाएंगे, पहले नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब हमारे को यहाँ लंबाई का निशान लगाना है। लंबाई हमारी 35 है, तो हम पूरा 35 पे इस तरह निशान लगाएंगे। ये देखिए, निशान लगाने के बाद इसका आसन रखेंगे हम। आसन हमने 10 इंच का आसन रख लिया, क्योंकि ट्राउज़र के आसन छोटे होते हैं। और हिप है इसकी 36, तो यहाँ पे 36 को 3 से भाग करके यहाँ रखा। ये देखिए इस तरह। और मोरी है 11, तो 11 का आधा रखेंगे 5.5। ये देखिए 5.5 रख लिया। अब हम इसकी और इसकी लंबाई नापेंगे 12.5। 12.5 में 1 कम करेंगे, जितनी ये लंबाई होती है उसका आधा करके 1 कम कर देते हैं। यहाँ पे घुटने की नाप लेंगे 14 घुटना है। तो ये देखिए, यहाँ से यूँ 14 ले लिए ऐसे। थाइस की नाप है 20, तो ये हमने 20 ले लिया। तो मोरी थी हमारी 11, घुटना था हमारा 14, और थाइस थी हमारी 20। तो 11 का आधा यहाँ लिया, 14 का आधा यहाँ लिया, और 20 का आधा यहाँ लिया। लेने के बाद इन्हें आपस में ये देखिए ऐसे करके ये मिला दिया हमने, ये मिला दिया गोलाई में। उसके बाद जितनी हिप है उसे 12 से भाग करके यहाँ पे निशान लगाएंगे, और लगा के यूँ मिला देंगे, ठीक है। अब हम इसे काटेंगे। तो काटने से पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें जहाँ नीचे यहाँ पर इस जगह पे जाली वाला डिज़ाइन है, यहाँ पे ऐसे करके जालियाँ बनेंगी पैर के ऊपर इस तरह। ये देखिए, जब हमारी जाली बनेगी तो हमें यहाँ से 20 से कपड़ा काटना होगा। तो अब हम इसमें से काटेंगे तो नहीं, इसमें हम बढ़ाएंगे, क्योंकि थोड़ा कपड़ा यहाँ पे यूं मुड़ जाएगा और नीचे जाली बन जाएगी। तो वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह करना है। तो पहले जो इसकी टोटल लंबाई है उसमें 5 इंच बढ़ा लो। ये देखिए, हमने 5 इंच बढ़ा लिया ये, और बढ़ा के इस तरह करके काटेंगे। ये देखिए, ये हमने ले लिया। और उसके बाद इसमें ऐसे 1-1 इंच का मार्जिन रखते हुए पूरी गोलाई में, ये देखिए, ये हमने 5 इंच जो बढ़ाया था उसके बाद इस तरह गोलाई कर ली। अब उसके बाद हम फिर से आगे किनारी वाला कपड़ा है, इसी को ही वापस लेंगे और यूं रखेंगे। रखने के बाद इसको इसके पास इस तरह रख देंगे। ये देखिए, ये रख दिया। और यहाँ पर हम इस साइड आसन की तरफ ये जो हमारा निशान था इधर ऐसे निशान लगाएंगे, और ये जो 1 इंच का मार्जिन है इसका भी ये निशान लगा दिया, ठीक है, लगा के। और मोरी के पास भी बस थोड़ा थोड़ा सा ही 1-1 इंच बढ़ाते हुए ऐसे यूं गोलाई दे देंगे।
और फिर इसे भी इसी प्रकार काट लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी ट्राउजर की कटिंग हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने 5 इंच बढ़ाया था इसको इस प्रकार काट देंगे। ये देखिए हमने ये काट दिया। तो अभी मैं अब आपको सिलना इसे बताऊंगी, क्योंकि ट्राउजर की सिलाई सिलना मैंने इससे पहले सिखा रखा है। अब मैं आपको इसमें डिजाइन बनाना बताऊंगी, और सिला तो ये पहले की ही तरह अब जाएगा। हम इस पट्टियों को सबसे पहले ये देखिए पट्टियों को इस प्रकार सिलेंगे। ऊपर की तरफ से इस तरह बंद कर देंगे। ये बंद कर दी दोनों पट्टियां हमने। बंद करके अब इसकी हम ऐसे थोड़ी सफाई करेंगे पूरी पट्टियों की। ऐसे दोनों किसी पट्टियों की सफाई नुकीली करेंगे। चीज की सहायता से इसे हम सीधा करेंगे, इस तरह सीधा करेंगे, ये यहाँ निकल जाएगा। इसी तरह दोनों पट्टियों को सीधा फ्रेंड्स, कर ये लेंगे। देखिए ये डोरियां तो बन के तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए दो पट्टियां बन गई हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा जो हमने क्रिस क्रॉस वाला ये देखिए डिजाइन डाला था, ये देखो इतना ये डाला था ना। अब हमें क्या करना है, इसे काटना नहीं है। काट तो हमने ये देखिए इसके नीचे से पहले ही लिया था, ये काट रखा है इसके नीचे से। अब हमें क्या करना है, इसके यहाँ पे एक कट यहाँ लगाना है, ये देखिए, और इसे इधर साइड में करके एक कट हमें यहाँ लगाना है, जितने में हमारा डिजाइन बनेगा। ये बन गया। अब उसके बाद हम इसे सबको मोड़ेंगे। मोड़ने के लिए एक बार ऐसे और एक बार ऐसे। चारों को मोड़ने, इसके नीचे 2 इंच का डिजाइन बनाना है। तो 2 इंच का डिजाइन बनाएंगे तो ये पट्टियां लगभग हम 3-3 इंच की काटेंगे, 3 या पौने 3 इंच की चल जाएंगे, क्योंकि तिरछे में बनेंगी ये। देखिए ये हमने ये दोनों पट्टियों को हम एक साथ काट रहे हैं, ताकि हमारा काम थोड़ा स्पीड से हो। ये हम सारे जितनी भी हमारी वो है पूरी पट्टी, उसमें से हम इस तरह काट लेंगे। ये देखिए इस तरह हम पूरा काट देखिए लेंगे। फ्रेंड्स, ये जो हमने पट्टियाँ काटी थी तो ये 2 हिस्सों में बांट दिया, और ये एक पट्टी का हम रख लेते हैं, ये इसकी डिजाइनिंग करेंगे। अब ये जो हमने इसके नीचे से जो काटा था कपड़ा, ये जो मोरी के पास से काटा था, तो उसमें एक हिस्सा छोटा एक हिस्सा बड़ा, ये देखिए ये एक के ऊपर एक रख के इस प्रकार किनारे की तरफ से सिल देंगे, किनारे की तरफ से सिल देंगे। ये सिल दिया। उसके बाद क्या करना है, इसको इस तरह खोलेंगे इसकी सिलाई को। ये देखिए ये खोल के फिर इसे इस तरह फोल्ड करेंगे, और इसको भी यहाँ पर सिल। अब ये दोनों पट्टियां बन गई। अब हम इन्हें पहले सीधा कर लिया, हमने उस पट्टी को जो मैंने सिली थी, अब ये देखिए सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद अब हमें यहाँ पे इसकी डिजाइनिंग डालनी है। तो डिजाइनिंग डालने के लिए ये देखिए इस तरह मिला के देखेंगे, ये छोटा हिस्सा इधर है और बड़े के साथ बड़ा हिस्सा है। ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है ये कट जाएगा, क्योंकि ये ऊपर था ये नीचे था, तो इसलिए तिरछे में कटा होता है, तो इसलिए बड़ा छोटा आ रहा है। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, इसे नाप के देखेंगे। ये हमारे पास है 5.5 और पीछे का 6.5, जहाँ हमें फिटिंग डालनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो निशान है फिटिंग का इसे तो छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ 1.5 इंच के निशान डालेंगे। ये देखिए ये जो चीज़ हम एक पे करेंगे वही हम दूसरे पे भी करेंगे। जिस तरह इस पे निशान डलेगा उसी तरह उस पे भी डलेगा। ये देखिए कितना है ये, 1.5 फिर 1.5 फिर 1.5, गलती से 2 लग गया, फिर ये 1.5 और फिर 1.5 और फिर ये पीछे भी 1.5 ही बचा है। ये देखिए ये निशान ये फाइनल है, एक निशान इसमें ये वाला गलत है। ये देखिए ये हमने 1.5 1.5 के निशान लगा दिए।
और यही निशान हम इस पे भी ले लेंगे। ये देखिए आ गए, सेम निशान आ गए। ये देखिए, अब जो ये निशान डाले हैं यही हम दूसरे वाले पे डालेंगे। और यहाँ ये जो हमारी पट्टी है इसके अंदर हम इस तरह दो दो इंच के निशान डाल लेंगे। ये देखिए दो इंच के, क्योंकि हमारी डिज़ाइनिंग जो है दो इंच में है, ये हम सारी पट्टियों पे इस तरह दो दो इंच के निशान डाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इन निशानों के ऊपर इन पट्टियों को जमाएंगे। ये देखिए, ये हमने जमाई पहली पट्टी। अब जो दूसरी पट्टी ये जमाएंगे यहाँ, और एक हम ऐसे, ये देखिए इस तरह लेंगे दो पट्टियाँ। पहली वाली पे तो एक पट्टी जमेगी, दूसरे वाली पे दो। देखिए, फिर एक इस साइड और फिर एक इस साइड। ये देखिए, एक इधर और एक इधर ऐसे। ये देखिए, लास्ट में जो हमने एक लगाई थी, ये देखिए, तो हम लास्ट में एक जो हमने लगाई थी वो इस साइड को लगाई थी जिधर हमारा ट्राउज़र का कपड़ा है। अब हम दूसरी वाली को भी उसी साइड लगाएंगे, मतलब इसको ऐसे ना लगा के ऐसे ही लगाएंगे ताकि बाद का क्रॉस अच्छा आए। ये देखिए, ये बन गया। देखिए फ्रेंड्स, जब ये लग जाएंगी तो ये अपने आप ही क्रॉस आने लगेंगे। तो अब हमें क्या करना है, इन क्रॉसों को दबाना है ताकि हम नीचे वाला हिस्सा आराम से बना सकें। ये देखिए बन गया। अब हम इस पे दूसरा क्रॉस दबा देंगे। देखिए, तीसरा दबा दिया, ये लास्ट वाला उसके साथ, इस लास्ट के साथ मिल जाएगा। अब हमने ये दबा दिया, अब इनको खोल देते हैं सबको। ये देखिए, ये खुल गई ऐसे। अब खुलने के बाद अब हम इसके ऊपर अपना ये डिज़ाइन रखेंगे। ये देखिए, ये रख देंगे और रख के हम इस पर सिलाई चलाएंगे। हर निशान के ऊपर एक एक। और इसको इसके साथ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बन गया है हमारा डिज़ाइन। बस अब थोड़ी सी ये धागे वगैरह ये सब काट देंगे, सफाई आ जाएगी। देखिए, जैसे ये डिज़ाइन बनाया बिल्कुल ऐसा ही हम इसका दूसरा पोंचा बनाएंगे। और बनाने के बाद इसको इस तरह करके पलट के जो हमारी फिटिंग है, फिटिंग का निशान डाल के ऐसे सिलाई लगा देंगे। तो मैं अभी आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। अब देखिए, ये जो किनारे हैं, ये किनारे हैं ना, ये बाहर को निकले हुए, तो इसको हमें क्या करना है, इस पर हम एक सिलाई और लगा देते हैं यहाँ पर, इधर इस जगह पे, ताकि ये अच्छे से इसका पैकअप हो जाए और ये खींचे ना फूटे ना। मैंने डबल सिलाई डाल दी इसके अंदर, इसी तरह नीचे वाले पे भी डाल देंगे। दो सिलाई में ये अच्छे से दब जाएंगे। ये
बनके हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, जब ये पहनेंगे तो इसमें से यहाँ से स्किन दिखेगी और बहुत सुंदर लगेगा। ऐसा ही हम अभी दूसरी तरफ भी बना के फिर देखिए फ्रेंड्स, ये हमने लगा दी है, ये देखिए दोनों तरफ। अब बस थोड़ी सी इसकी सफाई करनी बाकी है, जहाँ जहाँ पे ये धागे लटके में, इसे मैं साफ़ कर दूँगी। और ये देखिए ये कितना सुंदर डिज़ाइन बना है, ये देखिए ये इस तरह आ जाएगा। और ऐसा ही मैंने दूसरे में बना रखा है, ये रहा, ये देखिए अभी इसकी भी सफाई होनी है। ये धागे सब कटेंगे, ये सब धागे लटके में जो, ये सब हम काटेंगे। और ये देखिए लगभग बनने के बाद बिल्कुल रेडी हो गया है ये। तो अभी मैं इसको जरा सा, और ऊपर से भी मैंने सिल लिया है, मैं इसे फाइनल करके अभी आपको दिखाती हूँ।